करता हूं एक्सरसाइज 1.1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में 1 नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसमें मैं फर्स्ट नंबर पार्ट सॉल्व करता हूं x² + 5x + 4 = 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं सॉल्व करता हूं बाय फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मैं सॉल्व करता हूं बाय फैक्टराइजेशन तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं। मैंने ऑलरेडी लिखी है x² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट नंबर है x^2 यानी x², दूसरा है x^1 एंड लास्ट नंबर जो कांस्टेंट है। अगर आप देखें तो यहां भी x^2 है, फिर है x^1, लास्ट नंबर कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है और ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है तो ये भी x^2, ये भी फर्स्ट नंबर है, ये भी फर्स्ट नंबर है, तो इसका मतलब कि ये ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सॉल्व करता हूं बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसमें लास्ट नंबर जो टर्म है और फर्स्ट नंबर ये आप मल्टीप्लाई करें। जब मैंने x मल्टीप्लाई किया 4x के साथ तो आंसर आ गया 4x², दरमियान में है 5x। आप एक काम करें स्टूडेंट, सोचिए दो नंबर आप ले कि दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन से 4x² आ जाए एंड एडिशन से 5x आ जाए। जब मैंने एक काम किया, मैंने x एंड 4x लिया तो x एंड 4x की मल्टीप्लिकेशन से 4x² आता है और उसी दो वैल्यू से जब मैं ऐड कर दू एक वैल्यू x एंड 4x तो इसके एडिशन से 5x आता है। इसका मतलब ये कि x एंड 4x बिल्कुल ठीक है, ये फैक्टर है। x² मैंने अपनी जगह लिखा, 5x की जगह मैंने लिखा x एंड 4x। इसकी कोएफिशिएंट जो है वो 1 है। जब मैं 1 + 4 = 1 + 4 = 5 आएगा और x अपनी जगह। टेकिंग x एंड 4 कॉमन फैक्टर मतलब ये कि इससे x एंड 4x आप कॉमन ले। जब मैंने इससे x² + x जब मैंने x कॉमन लिया तो x + 1 रह गया। अब जब मैं वापस मल्टीप्लाई करूं x मल्टीप्लाई करूं तो वापस आएगा x², जब x में 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वापस x आएगा। मतलब है कि x² + x1 = x। अगर आप देखें तो यहां है 4x + 4, मैंने 4 कॉमन लिया तो 4 जब मैंने कॉमन लिया तो x + 1 रह गया। 4x = 4x आता है, 4 + 1 = 4 आता है। अगर आप देखें तो इसमें x + 1 कॉमन आ गया, मतलब ये कि सेम आ गया, x + 1 सेम आ गया। आप एक काम करें, टेकिंग x + 1 एज कॉमन, आप फिर आप एक काम करें, ये भी सेम है। तो मैंने सिर्फ एक लिखा। जब फैक्टराइजेशन में दो यानी ब्रैकेट के दरमियान यानी ब्रैकेट के अंदर जब ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है वो सेम आ जाए तो आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर ये और ये डिफरेंट है तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। अब ये सेम है तो मेरा जो क्वेश्चन है जब मैं सॉल्व करता हूं ये बिल्कुल ठीक है। तो x + 1 मैंने लिखा, यहां मैंने x लिखा, यहां +4 लिखा = 0, फिर अपनी जगह मैंने लिखा। अब मैं ये सॉल्व करता हूं यानी बाय 0 प्रॉपर्टी। x + 1 मैंने = 0 लिखा, x + 4 मैंने = 0 लिखा। जब मैंने वहां 1 शिफ्ट किया तो +1 की जगह मैंने माइनस लिखा, 4 वहां शिफ्ट करी तो माइनस पड़ेगा, तो मैंने लिखा x = -1 एंड x = -4 आर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये कि x = -1 x = -4 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक काम करूं, यहां मैं पुट करूं -1, फॉर एग्जांपल मैं पुट करता हूं -1, तो ये है -1² + 5 - 1 + 4 = 0, 1 + 1 = 1, 5 + 1 - 5 + 4 = 0,
1 minus 5 minus 4 plus 4 equal to 0 minus 4 plus 4 cancel 0 equal to 0. जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड तो ये जो मैंने पुट किया है जी मैंने जो वैल्यू पुट किया है वो बिल्कुल टी है यानी x is equal to minus 1 and x is equal to minus 4 are the solution of this given equation.